अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टॉपिक ये है कि आज मैं आपको सोलर स्टैंड के बारे में इन्फॉर्मेशन दूंगा और ये सोलर पैनल के स्टैंड होते हैं, इसके ऊपर ये साइज़ में होते हैं, इसके ऊपर कितने सोलर पैनल आते हैं, इन सब का आज मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। आप ये देख रहे होंगे कि जो सोलर ये जो पहला हमारा स्टैंड है ये वाला, इसके ऊपर ये 150 वाट का सोलर पैनल है। ये स्टैंड 150 वाट के सोलर पैनल के लिए होता है। अब मैं आपको नीचे से दिखाता हूँ, तो आप ये देख रहे होंगे कि ये जस्ट धातु का होता है, जो जस्ट भी इसको कहते हैं और कुछ लोग इसको फाइबर भी कहते हैं, आप ये देख रहे होंगे, और कुछ लोग इसको स्टील भी कहेंगे, लेकिन ये स्टील नहीं होता, ये स्टील नहीं होता, ये होता है जस्ट। ये देख रहे हैं आप, इसको नट के साथ यहाँ पे बांधा जाता है, लेकिन ये थोड़ी सी फिटिंग इसकी आउट थी तो मैंने इसको तार से यहाँ पर बांधा हुआ है। ये देख रहे होंगे तो इसके दो पाए होते हैं और मैंने इसको ज़मीन में ईंटों के साथ सीमेंट लगा दिया है ताकि ये आंधी वगैरह आए तो ये उड़े ना। अब मैं आपको 330 वाट का सोलर पैनल का स्टैंड दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, आप ये देख रहे हैं कि ये 330 वाट का सोलर पैनल है और ये इसका स्टैंड है, जो इससे तकरीबन 150 वाट से बड़ा होता है। ये देखें, देख रहे होंगे बिल्कुल एक जैसे होते हैं, लेकिन थोड़े से इसकी साइज़ के अंदर फ़र्क होता है। और अगर मैं इसकी प्राइस के बारे में बात करूं तो ये जो 150 वाट का सोलर पैनल होता है इसका स्टैंड, ये हमें 1600 से 1700 रुपये तक का मिल जाता है। और अगर हम ये बड़े वाले 330 वाट के बारे में बात करें तो ये हमें 2500 रुपये से 3000 रुपये तक का हमें ये स्टैंड मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि और ये कहाँ से मिलेगा, अब ये आपको जहाँ पे सोलर मिलते हैं वहाँ से भी मिल सकता है, और अगर आप कराची में रहते हैं तो अगर आप होलसेल पर लेना चाहते हैं तो ये आपको रीगल की मार्केट से मिल जाएगा, जो सोलर की होलसेल मार्केट है। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिसका नाम है टेक अल्टीमेट तहा। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।